सब्सक्राइब कीजिए यूआईटी मास्टर जी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट अनबॉक्सिंग एंड टेक वीडियो के लिए। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपके पास कुछ अमेजन बैलेंस अभी तक पड़ा है, आप इसे बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, आपके लिए एक मौका आया है। ये ऑफ़र कभी भी एक्सपायर हो सकता है, तो आप तुरंत ये वीडियो देखने के बाद आप ये अप्लाई कर लीजिए। सबसे पहले आपको जिंगो वेबसाइट पर जाकर आपको साइन अप करना है, आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड देंगे। जैसे आप कर लेंगे तो आपको सर्च बॉक्स में आपको सर्च करना होगा जिंगो एक गिफ्ट कार्ड। आप डायरेक्टली पेटीएम गिफ्ट कार्ड भी खरीद सकते हैं, लेकिन आपको जिंगो एक गिफ्ट कार्ड आपको खरीदना होगा। तो इसके लिए आपको जिंगो एक गिफ्ट कार्ड जिंगो लिखकर सर्च कीजिए। जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको जिंगो का बहुत सारे गिफ्ट कार्ड आपको मिल जाएंगे। आपकी अमेजन पे बैलेंस में जितने वॉलेट बैलेंस है, इसी अनुसार आप किसी भी गिफ्ट कार्ड को आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप सिलेक्ट कर लेंगे तो मैं सिलेक्ट करता हूँ 100 रुपये का, क्योंकि मेरे पास 116 रुपये का अमेजन पे बैलेंस है, तो मैं 100 रुपये का अमेजन पे बैलेंस सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसके लिए मैंने 100 रुपये का जिंगो गिफ्ट कार्ड मैंने कार्ड पर ऐड कर लिया। तो जैसे मैं कार्ड पर, आप देखिए इसके कार्ड पर ऐड हो गया, उसके बाद मुझे 100 रुपये पेमेंट करना है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं जिंगो सॉबी वॉलेट के थ्रू आपको पेमेंट करने के लिए दे रहा है, लेकिन ये कभी ही नहीं होता था। लेकिन आज देखिए सॉबी वॉलेट के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। देखिए आपको, मैं अमेजन पे वॉलेट के थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो मैं अमेजन पे सिलेक्ट करके पे नाउ पर मैं क्लिक करता हूँ। तो आप किसी भी वॉलेट के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप अमेजन पे वॉलेट में बैलेंस है तो आप अमेजन के बैलेंस के थ्रू आप पेमेंट कर लीजिए। अमेजन का ईमेल आईडी और पासवर्ड देके, मेरा तो पहले से लॉगिन था, तो अमेजन पे ईमेल आईडी देके मैं इसे लॉगिन कर लेता हूँ। तो मेरे अमेजन पे वॉलेट में जो 100 रुपये डिडक्ट हो जाएगा, देखिए मेरा ऑर्डर सक्सेसफुल हो गया है और मुझे 100 रुपये का जिंगो गिफ्ट कार्ड भी मुझे मिल गया है। देखिए मुझे एक ईमेल भी आ चुका है, देखिए ये रहा मेरा ईमेल, और मुझे गिफ्ट कार्ड कोड भी मुझे मिल चुका है, और इसके साथ साथ इसमें पिन भी इसमें शामिल है। अब मुझे इसको कॉपी करना होगा, ये गिफ्ट कार्ड कोड को और पिन को याद रखना होगा। इसके बाद मुझे फिर से जिंगो वेबसाइट पर जाने के बाद पेटीएम गिफ्ट कार्ड सर्च करना होगा। जिससे गिफ्ट कार्ड सर्च करता हूँ, देखिए मुझे पेटीएम गिफ्ट कार्ड अभी अवेलेबल है, तो मैं पेटीएम गिफ्ट कार्ड खरीद लेता हूँ। मुझे 100 रुपये का गिफ्ट कार्ड मुझे खरीद लेना है, तो मैं 100 रुपये का गिफ्ट कार्ड खरीद लेता हूँ। और आपके पास 300-400 रुपये का अमेजन पे बैलेंस है, तो आप 100 रुपये का 3-4 गिफ्ट कार्ड भी एक बार कार्ट में ऐड कर लीजिए। जैसे ही कार्ट में ऐड कर लेते हैं तो आपको पेमेंट करना होगा। इसके लिए आपको पेटीएम 7 रुपये हैंडलिंग चार्ज लेता है, तो आपको 7 रुपये एक्स्ट्रा भी आपको पेमेंट करना होगा। तो आपको जिंगो गिफ्ट कार्ड का ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको जिंगो जो गिफ्ट कार्ड लिखा है वहीं पर आपको क्लिक करके आपका जो गिफ्ट कार्ड कोड था आपने कॉपी किया था आपको वहीं पर डालना है, और जो पिन आपने याद किया था आपको उसके वहीं पर डालकर पे नाउ पर क्लिक करें, ऐड पर क्लिक करेंगे। देखिए मैं आपको करके भी दिखा लेता हूँ। जैसे मैं ऐड पर क्लिक करता हूँ, देखिए ये वेरीफाई हो रहा है और ओके हो गया, डन हो गया। तो मुझे ओके पर क्लिक करके मुझे फिर से पे नाउ पर क्लिक करना, क्योंकि मुझे हैंडलिंग फीस 7 रुपये एक्स्ट्रा भी मुझे देना पड़ेगा, इसीलिए पे नाउ पर क्लिक करेंगे। तो आप जो भी मर्जी आपके डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, गूगल पे और UPI के थ्रू पेमेंट कर लेंगे। तो मेरा जो फ़ोनपे अकाउंट है, फ़ोनपे से मैं 7 रुपये जो हैंडलिंग चार्ज होता है मैं दे देता हूँ, तो मुझे पेटीएम का गिफ्ट कार्ड मिल जाएगा। तो आप देखिए मेरा ट्रांजैक्शन अभी सक्सेसफुल हो गया है और मुझे पेटीएम गिफ्ट कार्ड भी मुझे मिल चुका है मेरे ईमेल पर, देखिए। तो आपको करना होगा, ये जो गिफ्ट कार्ड है आप इसे कॉपी करना होगा। जैसे ही कॉपी करते हैं, आप आपकी पेटीएम वॉलेट पर चले जाइए। पेटीएम एप्लीकेशन ओपन करने के बाद, जैसे ही पेटीएम एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं, आपको ऐड मनी सेक्शन में जाना होगा। ऐड मनी सेक्शन में जाने के बाद आपको जो गिफ्ट कार्ड ऑर्डर किया था आपको वो अमाउंट देना होगा। मैंने 100 रुपये ऑर्डर किया था, मैं 100 रुपये दे के यहाँ पर जो प्रोमो कोड दिख रहा है, डिफरेंट प्रोमो कोड, वहीं पर आपको क्लिक करके वो प्रोमो कोड को पेस्ट करना होगा। पेस्ट करने के बाद अप्लाई जब कर लेंगे तो आपका जो गिफ्ट कार्ड होगा वो सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। देखिए नीचे आप जब ऐड मनी कर लेते हैं तो आपका ये जो पैसा है आपके वॉलेट में रह जाएगा, और अभी वॉलेट के जो पैसे को आप बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप सभी जानते हैं। तो ये था प्रोसेस, आप आपकी अमेजन पे बैलेंस को बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि मैं इसी तरह बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। जल्दी लुटिएगा क्योंकि ये लिमिटेड ऑफर है।